हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने होंडा एक्टिवा के शॉक एब्जॉर्बर को कैसे पेंट कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है। ओके, तो इस केस में आप देखेंगे तो मेरा होंडा एक्टिवा का जो शॉक एब्जॉर्बर है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में। यहाँ पर आप देखेंगे रस्टिंग हो गया है, काफ़ी गंदा दिख रहा है। बट मैंने जब इसे चेक किया तो मैंने देखा कि ये अच्छे कंडीशन में काम भी सही कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आप अगर सही से, तो यहाँ पे कोई लीक्स भी नहीं है। इसका डैम्पर भी अच्छे से काम कर रहा है, स्प्रिंग भी अच्छे कंडीशन में है। और जब मैं इसे चलाता हूँ तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट देखने में बहुत अजीब लग रहा है ये तो। और रस्टिंग से ये डैमेज हो रहा है, तो इससे पहले कि ये कम्प्लीटली डैमेज हो जाए हम इसे रिस्टोर करेंगे। ओके, अच्छे से। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे। मैं इसे सोप, ऑयल, ब्रश के हेल्प से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगा। ओके, जो भी डस्ट है उसे हटाऊँगा और साथ ही मैं सैंड पेपर का यूज़ करूँगा। जो जो रस्टिंग है जहाँ जहाँ उसे मैं हटा लूँगा। ओके, ताकि पेंट करने के पहले कोई भी लूज पार्टिकल नहीं रहे। ओके, तो क्लीन करके वापस हम मिलते हैं। ये जो इनर पोर्शन, इसको क्लीन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इस तरह का आप एक क्लॉथ ले सकते हैं और इसे होल्ड करके इस तरह से, ओके, आप इस तरह से इसे क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी इजी रहेगा आपको। ओके, और इस तरह का ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अंदर क्लीन हो जाता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे इनर पोर्शन को क्लीन करना, डैम्पर को। ओके, फाइनली मुझसे ये जितना क्लीन हो सका मैंने इसे क्लीन कर दिया है। ओके, और जो भी लूज पेंट था उसे मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये रेडी है पेंट के लिए, बट उसके पहले या तो ये जो बुश और डैम्पिंग रबर है इसको आप रिमूव कर लीजिए, या तो इसे मास्क कर लीजिए। ओके, इसके अंदर पेंट नहीं जाना चाहिए, बट मेरा ये डैमेज है डैम्पिंग रबर, तो मैं इसे रिप्लेस करूँगा, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये बाहर आ जाएगा और इसको आप स्क्रू ड्राइवर से हिट करके यूज़ करके इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। ओके, ये भी आपका बार हो जाएगा, इसे मुझे रिप्लेस करना है। ये देखिए कट गया है यहाँ पे। ओके, अब नीचे हम इसे एक्चुअली दो कलर में पेंट करेंगे। ओके, मैंने मास्किंग को भी कंप्लीट कर लिया है और आप एक्साइटेड होंगे पेंट करने के लिए और मैं भी एक्साइटेड हूँ। बट उसके पहले एक छोटा सा चीज़ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो डैम्पर है उसका एक रॉड गया रहता है, उस पर आप चेन ल्यूब या इस तरह का पेनेट्रेटिंग स्प्रे डाल दिए। इस तरह से डालिएगा कि ये बाहर सरफेस पे नहीं आए। ये करने से क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो पेंट है वो क्योर नहीं होगा, नहीं तो वो जो ऑयल सीड होता है उसे डैमेज कर सकता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे स्प्रे कर लीजिए इस पर, ताकि वहाँ पे पेंट क्योर नहीं हो पाए। ओके, इस तरह से तो वो प्रोटेक्ट करेगा वहाँ पे पेंट को क्योर होने से, हार्ड होने से। ओके, और उसके बाद आप रेडी हैं। थोड़ा डस्ट, कोई भी ग्रीसी सरफेस नहीं होना चाहिए पेंट करने के पहले। मैं पेंटिंग के लिए एरोसेल पेंट का यूज़ कर रहा हूँ, कलर स्प्रे कैन। ओके, और मैंने कुछ और वीडियोस बनाया है कि कैसे पेंट करते हैं एरोसोल कैन के हेल्प से, तो आप अगर और इस वीडियो पे देखना चाहते हैं डिटेल में तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस पे एक दो कोट्स करेंगे हम। ओके,
जब ड्राई हो जाएगा तो नेक्स्ट कोट करेंगे हम। ओके स्लोली स्लोली। अभी एक कोट हो गया, कुछ देर के बाद दूसरा तीसरा, इस तरह से मैंने इस पर 3 कोट कर लिया है। ओके और अब अपर एंड लोअर पोर्शन में पेंट करना है, ये दोनों इंट को पेंट करना है। ओके मैंने सेंटर को मास्क कर दिया है। इसमें भी 2 कोट करेंगे ड्राई करने के होने के बाद। और फाइनली हमारा होंडा एक्टिवा का शॉक एब्जॉर्बर कम्प्लीटली पेंट हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लग नहीं रहा है कि वही ओल्ड शॉक एब्जॉर्बर है ये। और सेम इसी मेथड से आप किसी भी मोटरसाइकिल का शॉक एब्जॉर्बर, मोनो शॉक एब्जॉर्बर या नाइट्रो शॉक वाला, आप आराम से पेंट कर सकते हैं। सिर्फ मास्किंग का तरीका अलग होगा। ओके तो उतना तो आप मैनेज कर सकते हैं, खुद से आप इसको पेंट कर सकते हैं। और देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, लगता है देखते ही रहे इसे, इतना अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि जो होंडा एक्टिवा का शॉक एब्जॉर्बर कैसे निकालते हैं और कैसे फिर से फिट करते हैं, वो वीडियो में मैंने बनाया है अलग से, मैंने इसमें ऐड नहीं किया उसे, नहीं तो थोड़ा लेंदी हो जाता, तो उसे भी आप देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं और फिर से कैसे उसे फिट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस तरह का शॉक एब्जॉर्बर को पेंट करना चाहेंगे तो ज़रूर खुद से करेंगे आप। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।